छोटी छोटी जगह से निकलकर बड़े बड़े शहरों में नाम कमाने का सफर। हर सफर की होती है अपनी एक कहानी। सफर की यही कहानी लेकर आ रहा है जीनत इंडिया अपने खास कार्यक्रम शख्सियत में, तो देखना ना भूले। बॉलीवुड में एक्टिंग और सिंगिंग में धूम मचाने वाले रुड़की के फिरोज खान ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसमें युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और उसे सवारने का बेहतरीन अवसर मिलेगा। फिरोज खान बॉलीवुड की फिल्मों में बड़े पर्दे के रुड़ीद जैसे शो में अपनी कलाकारी का लोहा मनवा चुके हैं। माया नगरी मुंबई से लौटे एक्टर्स फिरोज खान ने रुड़की के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने प्रोजेक्ट की जानकारी दी। आपको बता दें कि माया नगरी मुंबई से लौटे बॉलीवुड कलाकार फिरोज खान ने रुड़की के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान फिरोज खान ने बताया कि बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम करने और विभिन्न बड़े शो रेडीज व दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हंट इंडियाज डिजिटल सुपरस्टार जैसे शो में अपनी कला का लोहा मनवाया है। उन्होंने बताया कि क्रिएटिव कार्टून के तले बनने वाले फिल्म व सीरीज को लॉन्च किया गया है जिसमें उत्तराखंड के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा वेब सीरीज बनाई जा रही है जिसमें कलाकार अपनी प्रतिभा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और अपना नाम कमा रहे हैं। रोजगार का बेहतरीन साधन बनी वेब सीरीज के माध्यम से कलाकार नाम के साथ साथ खूब पैसा भी कमा रहे हैं। फिरोज खान ने बताया कि उन्होंने प्रोड्यूसर एक्टिंग और सिंगिंग में जो मुकाम हासिल किया है उसके पीछे कड़ा संघर्ष रहा है। उन्होंने कहा, आज के दौर में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वेब सीरीज के माध्यम से खूब नाम कमाया जा सकता है। इस दौरान खुर्शीद अहमद, मोहित शर्मा, सन्नी खान, फैसल खान, अतीकुर रहमान, तौसीफ अली आदि मौजूद रहे। फ्रेंड्स, करने का मेन जो हमारा टारगेट है, हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हम धीरे धीरे रिवील करेंगे। उसके लिए हमको टैलेंटेड एक्टर और एक्ट्रेसेस वगैरह जितने भी हैं वो लोग हमको चाहिए, क्योंकि अभी हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पूरा वर्ल्ड हम लोगों को देखता है। तो अभी हमारे मेन जो टारगेट है, रुड़की के जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं, उत्तराखंड के जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं, वो उन सब लोग हमारे से कनेक्ट हों, जितना भी यूथ है हम लोगों से कनेक्ट हो, और कनेक्ट होने के बाद हम लोग अच्छा एक कुछ प्रोजेक्ट बनाएं। बॉलीवुड में मैंने मेरी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी थी लकीर का फ़कीर, जिसको मैंने प्रोड्यूस किया था, और भी MTV के साथ में चैनल भी, मैं रूडीज़ में भी आ चुका हूँ, चैनल भी ट्रूथ लव कैश, स्टार TV के साथ मैंने वर्क किया है, और भी बहुत सारे मैंने शोज़ किए हैं, वायकॉम 18 के साथ मैंने काफ़ी काम किया है, तो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो बदलते दौर में और उत्तराखंड के लिए क्या है यहाँ पर? देखिए सर, अभी हम लोग उत्तराखंड में बैठे हैं और उत्तराखंड में मैंने एक गाने की शूटिंग करी और वो गाना हम लोग को रिप्रेजेंट करके आया, उसने अमेरिका को भी हराया, जिसमें हमको 70 लाख प्लस वोट्स मिले हैं। उसमें मैंने सिंगिंग किया था, मेरा भाई है सनी खान, जो नो राइटर भी है और सिंगर भी है, तो हम लोगों ने मिलके एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए सिंगर। तो हम यहाँ पर बैठ के और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी बना सकते हैं जो पूरा वर्ल्ड देखे, और हमारे जितने टैलेंटेड बच्चे हैं उनको पूरा वर्ल्ड जाने।